अच्छा, अब अगर आपको ये डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है AAT GC TTA GCT और आपको 4 बेस पेयर नहीं 4 बेस, अब अगर आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ है AAT GC TTA GCT, अब अगर आपको इसके प्राइमर डिजाइन करने हैं, ये एक बहुत बेसिक चीज है, इसको बहुत अच्छे से समझना। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है तो ये सीक्वेंस किसका दिया हुआ है आपको? ये जो 5' to 3' आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, ये आपको टेम्पलेट का दिया हुआ है या आपको सेंस स्ट्रैंड का दिया हुआ है? सेंस स्ट्रैंड का, राइट? ये तो पता है सबको, 5' to 3' वाला सेंस होता है और 3' to 5' वाला टेम्पलेट होता है, ये सबको पता है। यस। तो 5' to 3' वाला सेंस होता है बट वो नॉन टेम्पलेट होता है, और 3' to 5' वाला टेम्पलेट होता है लेकिन वो एंटी सेंस होता है, करेक्ट? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ फॉरवर्ड प्राइमर कहाँ पे बाइंड करता है, टेम्पलेट पे या नॉन टेम्पलेट पे? टेम्पलेट पे। तो अगर वो टेम्पलेट पे बाइंड करेगा तो क्या ये कहना ठीक नहीं है कि फॉरवर्ड प्राइमर का सीक्वेंस एग्जैक्टली सेंस स्ट्रैंड के सीक्वेंस को मैच करेगा? यस सर। ओके, तो फॉरवर्ड प्राइमर तो आसानी से बन गया। 4 बेस का अगर आपको फॉरवर्ड प्राइमर बनाना है तो वो हो गया AATG, करेक्ट? यस सर। अच्छा, अब रिवर्स प्राइमर जो होता है वो रिवर्स कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट भी करना है और रिवर्स भी करना है। तो अब आप यहां पे ये 4 न्यूक्लियोटाइड देखो AGCT, तो अब आप ये बताओ, आप इसका कॉम्प्लीमेंट भी लिखोगे लेकिन उसको रिवर्स ओरिएंटेशन में भी लिखोगे। तो अब आप ये बताओ इसको हम फिर कैसे रीड करेंगे, तो दिस विल बिकम AGCT। अब इसको समझो, ये अब क्या मतलब हुआ इसका, जो कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ आया। AAT GC TTA GCT इसका कॉम्प्लीमेंट तो आप बना सकते हो TTA CG AAT CGA, करेक्ट? यस सर। एग्जामिनर आपको कभी भी दोनों स्टैंड नहीं बना के देगा, एग्जामिनर आपको एक ही सीक्वेंस दे देगा। अब आपको कॉम्प्लीमेंट बनाना आना चाहिए। तो फॉरवर्ड प्राइमर जो आपने बनाया वो ये है, हाँ या ना? यस। और रिवर्स प्राइमर जो आपने बनाया वो ये है। यस। अब लेकिन रिवर्स प्राइमर को हम रिवर्स कॉम्प्लीमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसको TCGA तो रीड नहीं करोगे ना, क्योंकि प्राइमर को तो 5' एंड से रीड करते हैं ना। यस। तब है तो ये कॉम्प्लीमेंट ही है इसका, लेकिन रिवर्स ओरिएंटेशन में रीड किया जाता है उसको। आया समझ में? यस सर। अब इसका मतलब ये है कि आप ऐसे सोच लो, अगर जब डीनेचरेशन होगी तो ये हो जाएगा AATGCTTA GCT। अब जो रिवर्स प्राइमर है वो आके यहां बाइंड कर जाएगा AGCT, करेक्ट? यस सर। ऐसे पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, क्योंकि जो आपका सेंस स्ट्रैंड था वो 5' to 3' था। अब सिमिलरली जो टेम्पलेट है वो TTA CGAA 3' to 5', और वो आपका जो फॉरवर्ड प्राइमर है AATG 5' to 3', वो ऐसे बाइंड करके ऐसे पॉलीमराइजेशन कर दे। आ गया समझ में? यस सर। तो फॉरवर्ड प्राइमर डिजाइन करना तो सबसे आसान है। यस सर। फॉरवर्ड प्राइमर आपका वही सीक्वेंस है जो आपका सेंस स्ट्रैंड का सीक्वेंस है, करेक्ट? यस सर। और रिवर्स प्राइमर आपका रिवर्स कॉम्प्लीमेंट है सेंस स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट तो आपको समझ आ गया कि कॉम्प्लीमेंट आप बना लोगे, लेकिन उसको पढ़ोगे आप रिवर्स ओरिएंटेशन, क्लियर? यस सर। इससे क्वेश्चन आते हैं कभी कभार एग्जाम के अंदर, तो जस्ट मेक श्योर के इसको वो आप अच्छे से कर